मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ओडीओपी के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में शामिल कुछ बालिकाओं को लैपटॉप, टैबलेट और चेक भी वितरित किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन, चेक, आवास की चाबी और टूल किट भी वितरित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ महिला खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार अब तक प्रदेश में तकरीबन 75 लाख परिवारों को मालिकाना हक उपलब्ध करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए किसी पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटियों की शादी का सशक्त माध्यम बनी है। शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री जयप्रकाश रावत जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सजीत सिंह बब्बन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, शक्ति बंधन अधिनियम